हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं जीएनएफसी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं जीएनएफसी स्टॉक में आज आपको बड़ी तेजी दिखाई दी। ना सिर्फ जीएनएफसी के स्टॉक में, यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने भी गुजरात के पीएसयू स्टॉक है उन सभी में आज हमें अच्छे खासी तेजी दिखाई देती है। उसका सिंपल सा कारण है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर के आई है। गुजरात की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ और गुजरात गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उन्होंने यहां पर कहा है कि डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा आपको बांटना है। पहली चीज, डिविडेंड ज्यादा बांटने का मतलब यहां पर सिंपल सी बात है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स उसका 30% आपको डिविडेंड बांटने का कहा है। उसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो शेयर होल्डर है उनकी वर्थ को बढ़ाने के लिए यहां पर कहा है। किसने? गुजरात गवर्नमेंट ने। किन्हें कहा है? जो भी गुजरात के पीएसयू स्टॉक है उसी में से एक स्टॉक आपको यहां पर जीएनएफसी भी दिखाई देता है। अगर आज आप देखेंगे जितने भी स्टॉक गुजरात से रिलेटेड है वो सारे आपको हाई दिखाई देंगे। उसी में एक स्टॉक यहां पर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? जीएनएफसी का भी। उसका एक कारण और ये भी है, गवर्नमेंट ने इन्हें कहा है समय पे बायबैक भी लेना है और समय पे बोनस भी प्रोवाइड करवाना है। मतलब कुल मिला के ये जो पॉजिटिव न्यूज थी वो निकल करके इसके नाम को तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या हमें इस तेजी को देखते हुए बाइंग करना चाहिए या फिर अभी बाइंग को अवॉइड करना चाहिए? तो यहां पर आप देखिए जीएनएफसी की पर्सनली अगर बात करूं तो यहां पर हम टेक्निकल एनालिस को डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी जितने भी स्टॉक में आपको तेजी दिखाई दे रही है गुजरात से रिलेटेड, तो मैं आपको कहूंगा यहां पर न्यूज बेस ये तेजी है तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में चले भी, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपको वापस से कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। तो यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करके उसको डिप्स में लेना ही सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं जीएनएफसी के स्टॉक की। तो यहां पर आप देखिएगा जीएनएफसी के स्टॉक का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। यही डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी आप देखेंगे डाउन ट्रेंड यहां पर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। यदि हम यहां पर देखते हैं तो स्टॉक यहां पर 620 रुपए के आसपास से नीचे उतरता है और गिरावट कहां तक करता है तो आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ लगभग लगभग स्टॉक यहां पर 540 रुपए तक आने की कोशिश करता हुआ हमें दिखाई दिया। फिर से स्टॉक के अंदर आपको तेजी दिखाई देती है और यहां पर आप देखेंगे फिर से स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए यहां तक गिरावट करके एक बार फिर से स्टॉक ने क्या किया है, रेजिस्टेंस किया और उसके बाद एक बड़ी गिरावट फिर से होती है और स्टॉक यहां पर आप देख सकते हैं कहां तक गिरा, 520 रुपए तक। ये देखिएगा 520 रुपए तक आने के बाद स्टॉक में आपको फिर से तेजी दिखाई देती है और इस तेजी को आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्टॉक को लेकर गई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं रेजिस्टेंस ने प्रॉपर यहाँ पर क्या किया, रिस्पॉन्ड किया और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आता है और इस बार स्टॉक लगभग 480 रुपए तक गिरने के बाद फिर से हमें तेजी करता हुआ दिखाई दिया है। ये देखिएगा यहाँ से स्टॉक आपको फिर से गिरता हुआ दिखाई देता है और इस वाली गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको तेजी आती हुई दिखाई दी है। कहाँ तक की तेजी? तो आप यहाँ पर देखेंगे फिर से स्टॉक लगभग लगभग 550 के ऊपर गया था और यहाँ से गिरावट आ रही थी और 520 तक जाने के बाद अचानक से न्यूज बेस तेजी आई तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर मैं कहूँगा एक ब्रेकआउट नहीं, यहाँ पर तीन ब्रेकआउट हुए। अब आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से। एक तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है इसके नीचे या फिर इसके आसपास स्टॉक चल रहा था, 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, ये आपको ब्रेकआउट होती हुई दिखाई दी, यहां पर गैप क्रिएट हुआ। दूसरा आप अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा था हमारा, ये भी यहां पर आज एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दिया। ये देखिएगा इसके अलावा तीसरा ब्रेकआउट जो रेड लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन कौन सी है? यह है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, ये भी यहाँ पर ब्रेकआउट लेती हुई दिखाई दे, स्टॉक आपको ऊपर की तरफ 587 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देता है। तो डेफिनेटली इतने सारे अगर ब्रेकआउट हुए तो इस वाले स्टॉक में पर्सनली मुझे लगता है यदि आप यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्टेड है तो बाइंग कर सकते हैं। आपका जो टारगेट यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर देखें तो 620 से 640 के बीच में आपको आने वाले दिनों में स्टॉक ये देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो फ्रेंड देखिए कोई भी अपन ट्रेड लेते हैं उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। आने वाले दिनों में यदि 640 तक जा सकता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? तो यदि आप यहाँ पर बाइंग करने की सोच रहे हो, बाइंग आपकी होती है 585 के आसपास, तो नीचे की तरफ रिकमेंड करूंगा यदि आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो 560 रुपए का आपको यहाँ पर क्या रखना होगा स्टॉप लॉस। यदि ये स्टॉप लॉस आप बेस कर सकते हैं तभी आप इसके अंदर एंट्री करेंगे और यदि एंट्री करेंगे तो इस स्टॉप लॉस की जो साइज है उसको देख करके अपने क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या टारगेट, कहां पर एंट्री, क्या स्टॉप लॉस रख करके आपको एंट्री करना चाहिए। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू जीएनएफसी शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।